तो 23 तारीख को लॉन्च होने वाला है ओप्पो K3, और ऐसे में इसका बहुत सारा स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे आने वाला एक फुल व्यू एमुलेट डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, और दोस्तों ऑफिशियली ये कन्फर्म हो चुका है कि इसका प्राइस होने वाला है 20,000 के नीचे ही। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं ओप्पो K3 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में, क्या होगा इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और कितने प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक जो कि पॉलीकार्बोनेट का होने वाला है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रियर साइड में कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फोन में आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। वहीं पे अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक फुल व्यू फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि दोस्तों का एमुलेट पैनल होगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिलेगा जो कि कलर ओएस 6 के साथ आएगा। और दोस्तों यही सेम प्रोसेसर हमें रियलमी एक्स में भी मिला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए हाइपर बूस्ट 2.0 का भी सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जिसका मेन सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का, और उसके साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर भी मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें इसकी फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3700 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि दोस्तों वोक 3.0 के सपोर्ट के साथ आएगा, और यहाँ पे आपको बॉक्स में 20 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये तो ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि इसका प्राइस 200 yuan से कम होगा, यानी कि दोस्तों इंडियन 20,000 से कम होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस होगा 17 से 18 हज़ार के बीच में ही। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 17-18 हज़ार के प्राइस में मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और एक फुल व्यू डिस्प्ले। तो दोस्तों देखा जाए तो ये रियलमी एक्स को कड़ी टक्कर देने वाला है। वहीं पे अगर बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों ये तो ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि ये फ़ोन 23 मई को लॉन्च होने वाला है चाइना में। उसके लगभग एक महीने बाद ये फ़ोन इंडिया में भी आने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है 23 तारीख को। तो यही था ओप्पो K3 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।